चलेगा, अब शेखा जब दीप जलेगा तब कोई ना तुझे चलेगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, गांव की हर मौसी ताई लिखेगी अपनी चिट्ठी भाई, लिखेगी अपनी चिट्ठी भाई। काम धाम के साथ उनको करनी होगी पढ़ाई, करनी होगी पढ़ाई। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। हमारे जवाब तुम्हारे, जो भी पूछना है पूछ प्यारे। देश का सबसे बड़ा कर तेंदुलकर, वो क्या थी जो टैक्स फ्री थी? लगान सनी देओल ने मचा रखा है गदर। कौन सा मंत्री जिसमें डबल जी? जी मंत्री जी आज भी कभी बोलती ऐसे ही तीन सांस की कहानी आज जनता को है हमें सुनानी। ये क्या लिखा है, कौन पढ़ के बताएगा? मैं बताऊंगी। बताइए। छोटा छोटा परिवार परिवार सुखी परिवार। बहुत अच्छा प्रेमा ताई, आप इसे लिख भी सकती हैं? हाँ हाँ लिख सकूं, क्यों ना लिख सकूं। आइए। तुमसे एक बात कहनी है। पहले पानी तो पी लें दे। अरे बड़ी जरूरी बात है। अब बोल। मैं फिर से पेट से हूँ। सच कह रही? और जा। वाह प्रेमा वाह, तेरी तरह हमारे खेत भी उपजा हो जाए तो क्या बात थी। वही तो कह रही, फसल है ना रही और ऊपर से पांचवा बच्चा और। सुब सुब बोल। अरे भगवान का जे कर्म कछु कम है जो हमें बिना मांगे पुत्र दान दे रहा हुए। मैं तो तुम्हें सिर्फ बता रही थी। अरे जे तो पचवा ही है, भगवान हमें तुम्हें शक्ति दे तो पांच लड़के और पैदा होंगे। अरे घर में कमाई वाले हाथ हो तो पूरी जिंदगी मजे में गुजरेगी। अरे पहले पांच के पालन पोषण की सोचो, तब कहीं अगले पांच की सोचना। हाँ बस जे भरा के हम मर्दो तुम औरतन में। अरे तू आज ही सोच रही, मैं 20 साल बाद ही सोच रहा। अरे पांचों की ब्याह से ही जितना भी धन दहेज आएगा उसी से बाकी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी। वो तो सही है, वैसे भगवान की दया से हमें चार चार लड़का है। पर तुमने कैसे सोच ली कि अब जो पेट में है वो लड़की ना लड़का है गो? अरे जब पांचवा का पांचवे से दसवें तक सभी लड़के होंगे। याद नौ है खणोची वाले बाबा ने कहा कही थी, बगड़म बगड़म लाल भुजक्रम भीम प्यासी बुढ़िया प्यासी गांव की छोरी नीम मौली पुत जटा दे खुशी मना दे पुत्री। जी महाराज। घड़े में हाथ डाल और जो कुछ मिले निकाल। जी महाराज। क्या पाया पुत्री?
महाराज डंडी। डंडी नहीं, लाठी, अर्थात पुत्र प्राप्ति। अरे वो तो मैंने जब जब घड़े में हाथ डालो तो उसमें से पुत्र प्राप्ति की चीज निकली। हाँ, और तब घणोची वाले बाबा ने कहा गई थी, पुत्री। जी महाराज। तू भाग्यवान है, तुझे 10 पुत्रों का सुख प्राप्त है पुत्री। महाराज, पुत्री तो नहीं होगी ना? कदापि नहीं, कदापि नहीं। कन्या ने अपने हाथ से किसी ऐसी वस्तु को स्पर्श नहीं किया है जिससे किसे पुत्री प्राप्त हो। पुत्री। जी महाराज। अपना हाथ अपने शरीर के किसी भाग पर रख। पुत्री। जी महाराज। तेरा हाथ कहाँ है? गर्दन पे महाराज। गर्दन पे क्या है? मंगलसूत्र है महाराज। हमें मंगलसूत्र नहीं चाहिए। ओम शांति 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 शांति। और क्या है? असली है महाराज। असली है? हाँ महाराज, असली है। इसे हमें दे दे पुत्री। हमारे आश्रम में यतीम और बेसहारा लड़कियों को दान कर दे पुत्री। हमसे पुत्र धन चाहती है और खुद मोह माया के चक्कर में पड़ती है। कन्या, ये लीजिए महाराज। अगड़म भगड़म लाल भजकड़म भीम प्लाज। माँ, मेरे स्कूल की नई ड्रेस पहननी है, मास्टर साहब ने कहा है। अच्छा, अब की दिवाली पे तुझे नई ड्रेस बनवा दूंगी। हाँ माँ, दिवाली कब आएगी? बिटिया, दिवाली 6 महीने बाद। देख क्या कर रहा है। अरे मार का रहे। अरे 10 बार समझा चुका हूँ, नाम कटा स्कूल से, कहीं मेहनत मजूरी कर। अरे मजूरी नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा बाबू। अरे क्या कर रहे हो? हार दी सब। ले पढ़, जितना चाहेगा उतना पढ़, जले जे भी पढ़। मिट्टी खोदे, गारा बनाए, अरे किसी मिस्त्री के साथ लग के 2-4 ईंटें जोड़ ले, स्कूल में गणित जोड़ता फिरे। अच्छा, गणित जोड़ता फिरे। सब ही तो करता हूँ, डोडा करके चारा देता हूँ, सोल के सुबह दूध बेचने जाता हूँ, अलबेल करता हूँ। सूखो पड़ रहा है, सूखो। गाय भैंसे मूत बराबर भी दूध न दे रही है, एक बैल मर गो है, हल में जंग लग रो है, तुझे गाय बैल की पड़ी है। अच्छा तुम बाहर जाओ, मैं समझा लूंगी इसे। कल से पुल के बजाय सकून की तरफ कदम निकालो तो तेरी दोनों टांगे काट दूंगा, समझ में आई? अच्छा जाओ ना। अरे जाओ भैया। कान खोल के, कान खोल के सुन ले। जाओ भैया। वैसे नई सी लगे ये लाल वाली साड़ी, है ना? तुझ पे खूब जचेगी। नहीं अम्मा, लगती तो पहनी हुई है, वो भी कई बार की। हाँ री, अरे अकल मारी गई थी मेरी और का। तेरी नानी ने मुझे विदा करने से एक दिन पहले कही थी कि ये साड़ी बड़ी कीमती है, इसे 1-2 बार पहन के संभाल के रख दीजो अपनी छोरी के दहेज के लिए। और तुमने पहन डाली? अरे नाना, शुरू शुरू में तो ना पहनी थी, पर सत्यानाश उस खड़ौची वाले बाबा का जिसने मुझे कही कि तेरे सिर्फ लड़का ही होंगे। आ गए, का हुआ? बिंदिया, जरा पानी तो लिया। अरे का हुआ, कुछ बताओ तो सही। आज भी बात ना बनी। पर कही का उनने? 2 घड़ी सांस तो लेने दे। स्टेशन से उधर के पहले 2 किलोमीटर तो पैदल चला।
फिर रिक्शा पकड़ा, जेब में 10 रुपया थे। ले आ पानी ले आई। अरे बिंदिया जा जरा अंदर तो जा, काम काज देख जाके। ये भी ले जा। हाँ अब कहो का कही उनने? मना कर दी। अरे पर लड़की तो उन्हें पसंद थी। आगे कहने लगे अब हमें 2 लाख तो चाहिए ही चाहिए, लड़के को रेडीमेड कपड़े की दुकान जो खिलवानी है। कीड़े पड़ेंगे कीड़े उनके, हम ही से पैसे ऐंठ के हमारी छोरी को मान सम्मान देंगे। बड़े आए बात बराबर पे आके ठहर गो, वरना सुसी लो महेश कछु अपने पास से और कछु अपने अपने ससुराल से 1-1.25 लाख तो इकट्ठा कर ही लेते। अब तुम ही देख लो, तुम्हारे 5-5 लड़का हैं, फिर भी तुम उनके बराबर ना हो। अनपढ़ ना होते तो ये काय को सोचते कि 10-15 लड़का होते, सभी 10-12 के होते ही इधर उधर से 4 पैसा बटोर के घर लांगे, सभी को ब्याह होगा तो दान दहेज में और लांगे। रे ढूंढमुन को देखो, तुम्हारे 50 बीघा जमीन थी और उसके 10 बीघा, तुम्हारे 50 थी तो तुमने 10 बच्चे पैदा करने की सोची, उसके 10 थी तो उसने सिर्फ 2 ही पैदा किए। आज उसके दोनों बालक अच्छे पढ़ लिख गए और अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे। धुनमुन ने तो एक बार अपने लड़के से बिंदिया ब्याहने की बात भी कही थी। तुमने बताई तो नहीं कभी? अरे उसके मुंह से बात निकालते ही मैंने कही कि 10 बीघा जमीन लेके हमारी बराबरी करन लाग रहा है तो ढुनमुन। वो तो सही है, कल ढुनमुन की घरवाली मेरे से कह रही थी कि उसके लड़का की शादी होनी है और वो कह रहा था कि मैं शादी करूंगा तो किसी गांव की छोरी से करूंगा, बस वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ए प्रेमा अपनी बिंदिया भी तो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है ना? हाँ हाँ क्यों ना, और तुमने तो उसकी पढ़ाई रुकवा दी, नहीं तो और भी पढ़ लिख जाती वो आज। होगी 13वां लगा है। जे देखो बापू जे, हिंदी में 100 में 90, गणित में 100 में 100 और अंग्रेजी में। हटा इसे, सुशील की अम्मा अब जाकर नाम कटा दे स्कूल से। अरे कौन? पर मैं तो और पढ़ूंगी बापू। चुप कर बापू की बच्ची, अब सुन ले 4-5 साल इसे घर में ही रख, मुझे अच्छा लगता जाकर स्कूल में लड़कों के साथ पढ़ना। वैसे भी मैंने इसको धनमुन के छोरे के साथ स्कूल से साथ साथ आते देखा है। बापू वो भी फसट आयो है पर मुझसे कम नंबर मिले हैं बापू। तो मैं क्या करूं, मिले तो। और देखो जो लड़का के नंबर कम आया करे थे आज वो ही लड़का शहर में बड़ा अफसर है। पर मैं ही ढूंढूं से माफी मांग लूंगा। अरे अब रहने ही दो, मैं ही कर लूंगी उनसे बात। फिर तुम अपने कमाऊ पूत और 50 बीघा बंजर जमीन की झोंक में आके कोई ऐसी वैसी बात कर दो तो। वैसे कल ढुनमुन की घरवाली कह रही थी कि तुमने कहीं अपनी बिंदिया का ब्याह तय किया हो कि ना। मैं जानू वो हमसे टो ले रही थी, उसके लड़के नहीं भेजा होगा। अरे वो अपनी बिंदिया को पसंद करे है ना। पढ़ूंगी मास्टर जी।
एक के बाद अभी नहीं। अरे चुप है जा, एक बच्चा जाया हो जाने से क्या होता है? मैंने अपने बच्चे की जान ले ली। अरे अब इन सब बातों का क्या फायदा, सबर कर। कैसे करूं सबर? मेरी कोख में ना आया होता तो सबर करती। अब कैसे करूं? आए मेरा बच्चा। अब जब अल्लाह ताला की मर्जी ना थी। अल्लाह की मर्जी क्या? मैंने तुम्हें कितना समझाया, कितना मना करी थी। अब तेरे मना करने से क्या होता है? मैं अपनी अम्मा का हुक्म कैसे डालूं? शाम को बादाम की तुर्री तैयार कर दिया करूंगी, पी लिया कर। अम्मा, तुर्री की ज्यादा जरूरत सलीमा को हैगी। अरे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए ताकत मर्द में होनी चाहिए या औरत में? मतलब? तो क्या एक ही लड़के से काम चलाएगा सिर्फ? अब ऐसी भी क्या जल्दी है? तुझे ना होगी, मुझे तो है। क्यों, तुम्हें क्यों है? अरे जितने पोते पोतियों का मुंह देखकर मरूंगी, जन्नत में उतने ही कमरे नसीब होंगे। सब अट जाएंगे इस छोटे से घर में। अब मुझे बातों में मत घुमा, जो मैं कह रही हूँ वो सुन। ईद के चांद के पहले पहल एक चांद और दिखा दे। ईद में तो कुल 10 महीने रह रहे हैं। 9 महीने से 1 महीना ज्यादा ही तो है। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि तेरा दूसरा रमजान के मुबारक महीने में पैदा हो, सीधा जन्नत जाएगा। लेकिन सलीमा से तो पूछना पड़ेगा। तेरे अब्बा, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने 11 पैदा किए और मुझसे एक बार न पूछी। अरे थोड़ा उसकी कमजोरी की वजह से फिक्रमंद हूँ। तूने तो कमजोरी की रट लगा रखी है। अच्छा एक बात बता, तू जो ये लकड़ी छील रहा है देख रहा है ना? हाँ देख रहा हूँ। तू इसे जितनी छील रहा है ये उतनी निखर रही है, निखर रही है ना? हाँ निखर तो रही है। तो अपनी औरत बिल्कुल लकड़ी की तरह हुआ करे, जितनी छीलेगा उतनी निखरेगी। बात तो तुम्हारी समझ में आ गई है। मेरा बच्चा तो मेरा हुक्म सुने बिना ही चला गया। पेट में ही मर गया। शकल देख लेती तो चैन पड़ जाता। डॉक्टर साहब रिपोर्ट तो आ गई ना? हाँ रिपोर्ट तो आ गई है और इनकी सेहत भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी जी। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन लेकिन अब ये कभी माँ नहीं बन पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए आपकी और इनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई, यानी सही उम्र से पहले, और रिपोर्ट साफ कहती है कि पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त ये कमजोर हो गई थी और उस पर आपने इन पर दूसरे बच्चे का बोझ डाल दिया, जिससे इनका अंदरूनी निजाम बिल्कुल डैमेज हो गया। डैमेज हो गया मतलब? डैमेज मतलब बिल्कुल खराब हो गया, इसलिए अब ये कभी मां नहीं बन सकती। दो के बाद कभी नहीं। जल्दी का काम, शैतान का तीरा चले, सुरक्षित पहुँचे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, नींव मजबूत होनी चाहिए। लकड़ी और लड़की में फर्क होता है। पत्नी सोने की मुर्गी नहीं, बहू रस्से से बंधी बकरी नहीं, लड़की सर पे लटकी छुरी नहीं। तो फिर पेश है पान नहीं, जापान नहीं, कृपा नहीं। एक और किस्सा है मेरी जान। क्या? लड़का लड़की होते एक समान। इसे कौन पढ़ेगा? ये मैं पढ़ूंगी। पढ़िए। शाबाश।
लड़क आ लड़का लड़क ई लड़की एक समान लड़का लड़की एक समान। बिल्कुल सही ताई। अम्मा मेरी रोटी में भी घी लगा दे। क्यों, घी के बिना नवाला ना हजम होता है? जन्म जली। पर तुमने तो मोहन को भी घी लगाकर रोटी दी। वो छोरा है, तू छोरी है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों ना फर्क पड़े हैं? बड़े होके तुझे हल जोतना है जो तू घी खागी। हाँ और क्या, बड़ों के सारे भारी भरकम काम मैंने करने हैं, तो घी भी तो मैं ही खाऊंगा। ले तो फिर मेरे हिस्से का भी तू खा। अरे जन्म जली भागन कलमोही, जो मान लड़ाती है छोटे भाई का ध्यान रखने के बजाय उससे जलती है। और मार अम्मा, और मार। हाँ हाँ मुझे मार डालो। मोहनी, अब मोहनी। जी बापू। मेरा गमछा पकड़ा दीजो, मुझको शहर जाना है। अच्छा बापू। दीदी मेरा गिल्ली डंडा उठा दिलाना। और सुन, आके जरा मेरी कंघी कर दे। मोहनी घर का कामकाज बहुत मन लगा के करे। अरे तुम्हें क्या मालूम छोरी को सुगड़ बनाने के लिए क्या क्या जतन करना पड़े। ये लो बापू। अच्छा। ये ले तेरा गिल्ली डंडा, यहाँ रख दिया है, उठा ले। हा 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 हा, पैर में मेहंदी लगा रखी है जो दो कदम आगे बढ़ के से थमा ना सके है। झाड़ू भी तो करना है ना, वो खुद नहीं उठा सकता। अच्छा जवान लड़ाती है, सुबह की मार भूल गई शायद। दर्द हो रहा है अभी भी पीठ में। जे देखो महारानी को दर्द हो रहा है, ससुराल जाके जब फूकड़ी और चिमटे से पीटेगी ना तब पता चलेगा दर्द क्या होवे। ये लड़की जात को मारा मती करे। अरे अरे रहने दो, मुझे पता है इसके अच्छे के लिए ही मारा है। अच्छा ठीक है मैं निकल रहा हूँ। मोहन तेरे लिए कुछ लाना है शहर से। बैठ गए ले आना बापू मेरे लिए। अच्छा अच्छा, और तेरे लिए? बापू एक बड़ी सी गुड़िया। रहने दे गुड़िया, तार जैसी लंबी हो रही है गुड़िया खेलेगी। इसके लिए सिलाई कढ़ाई का सामान ले आना, अब इसकी उम्र हो गई है कढ़ाई सिलाई सीखने की। ठीक है ले आऊंगा। तू कहाँ जा रही? स्कूल। रहने दे, आज से तेरा स्कूल जाना बंद। क्यों अम्मा? बस तेरी पढ़ाई लिखाई पे बहुत पैसे खर्च हो गए। वो तो मोहन की पढ़ाई लिखाई। हाँ हाँ, और तेरे दहेज पे भी तो पैसे खर्च होंगे। मोहन के दहेज पे पैसे खर्च होंगे कहाँ? मैं तो दहेज लेके आऊंगा, फटफटी टीवी सोफा अलमारी और जाने क्या क्या। सुन और कर ली बराबरी इससे, तू तो घर खंगाल ले जागी। अच्छा तो आज की पढ़ाई यही खत्म होती है, कल फिर मिलेंगे ठीक है? अरे तुम्हें तो लाश शर्म रही नहीं। अरे लाश शर्म क्या करेगी, तू घरवाली ना मेरी। वो तो हूँ मैं, अब हाथ छोड़ मेरा। का है रा बहू? और अम्मा का पढ़ी आई आज स्कूल से? अरे जो पढ़ के आई हूँ भरत बेटा, वो तुझे और अपनी बहू को भी पढ़ाऊंगी। हाँ अम्मा हमें का पढ़ाएगी तू? वैसे तुम दोनों ने मुझे दो पोता पोती दिए हैं। वो तो है अम्मा। और बता कितने चाहिए? अब एक भी नहीं। तुमको पोता पोती के बहुत चाह है ना? जे कह रहे थे। सो तो है, सो तो है। और जे कह रहे थे कि हम हर साल अम्मा की गोद में पोता पोती दिया करेंगे। खबरदार जो तुम लोगों ने ऐसी हरकत करी तो। कहाँ है अनवर? अमन चौपाल पे। अल्लाह तुझे और तेरी कोख को सलामत रखे, मुझे ना चाहिए है सल पोता पोती। अम्मा तुम जी का कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देख बेटी अनवर तो मरद था इसलिए मैं उससे कभी कछु बता ना पाई,
दो बार जल्दी जल्दी हमल ठहरने की वजह से मैं ऐसी बीमार हुई कि दोबारा कभी मां ना बन सके। मतलब दोबारा कभी मां ना बन सके बेटी। और तू अनवर से कह दीजो कि इस बच्चे के बाद अगला पोता या पोती मुझे 2 या 3 साल के बाद ही चाहिए, और 2 के बाद तो कभी नहीं। वैसे अम्मा एक बात मैं सोच रही। कहा? सोच रही क्यों ना माधुरी को नाम स्कूल से कटवा दूं? है? पर क्यों जला? अम्मा अब रोज रोज का खर्चा जो हो रहा बहुत, कापी किताब कलम दवात, अभी कल ही कह रही अम्मा नहीं इसलिए दिलवाए दो, अब तुम ही बताओ अम्मा रोज का खर्चा कहाँ से लाऊं? ठीक है तो फिर सचिन का भी कटवा दे। पर अम्मा वहा तो लड़का ठहरो, अब पढ़ोगे लिखोगे ना तो कमाओगे खाओगे कहाँ से? क्यों माधुरी को कमाने खाने का हक न होवे का? पर अम्मा वहा तो लड़की ठहरी, अब मेरी समझ में तो जे बात आवे कि लड़की को पढ़ने लिखने से ज्यादा घर को काम काज सिखाओ तो काम आए। क्यों सुनीता, अरे वही जो हमें पढ़ावे है वो का घर का काम काज ना करे है, और ये जो महिला डॉक्टर और का कहे है इंजीनियर हो गए हैं वह सब घर का काम काज ना किया करे क्या? अम्मा बात तो तुम्हारी कछु गलत ना है। कछु गलत नहीं, सब सच्ची बोले। देख अरे सचिन को जितना तू पढ़ाने की सोचना उतना ही माधुरी को भी पढ़ा। सुबह क्या भूला शाम को लौटा, जब जागो तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त। लेकिन हम जल्द ही वापस आएंगे जमुरी, तब तक के लिए जनता को कर सलाम। सलाम। राम राम। राम राम। प्रणाम। प्रणाम। और उस्ताद धन्यवाद भी जमुरी।